जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड के छोकी खरगडीहा, जहां पर भाजपाइयों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है गांडे विधानसभा क्षेत्र में। वहीं बेंगाबाद में उद्घाटन कार्यालय का किया गया भाजपा के वरीय नेता दिलीप वर्मा के द्वारा। इधर छोटकी खरगडीहा मंडल में मंडल अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद वर्मा के अध्यक्षता में गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण सोनकार के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान श्री सोनकार ने कहा कि हेमंत सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है, इस बार जनता बदलाव के मूड में। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुनिया देवी भारी मतों से जीती। इस कार्यक्रम का संचालन स्थानीय मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा प्रतिनिधि मुखिया प्रतिनिधि ने किया। वहीं कार्यालय का उद्घाटन समारोह में अन्य दलों को छोड़कर दर्जना अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी का पट्टा देकर स्वागत किया। वहीं मौके पर मुख्य रूप से भागीरथ साव, रेणुलाल चौरसिया, बाबूचंद साव, बैजनाथ यादव, राम कुमार वर्मा, बुद्धन साव, रिजलाल वर्मा, दिनेश वर्मा, इंद्रलाल वर्मा के अलावे प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा समेत काफी तादाद में लोग मौजूद थे। वहीं पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फीता काटा गया और कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने पहुंचे सर, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य में है बताएंगे? आज छोटकी खरगडीहा मंडल भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन, और उद्घाटन हम लोगों ने किया और इस क्षेत्र के लोगों का काफ़ी मात्रा में रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो इस बार प्रत्याशी जो इस जिले के जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती दुनिया देवी उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है इस बार कैंडिडेट, और हम लोगों को लगता है क्षेत्र में अभी तो चुनाव का प्रचार का शुरुआत है, क्योंकि अगली बार कल्पना सोरेन को जो मुख्यमंत्री की पत्नी है, कल्पना सोरेन को उस समय लोगों ने वोट दिया और वोट दिया ये कह करके लोगों ने थका कि ये चुनाव जीतने के बाद भी तो मुख्यमंत्री बनेगा और इस इलाके में काफ़ी मात्रा में काम होगा, लेकिन चुनाव जिस तरह से हेमंत सोरेन ने लोगों को ठगा उस तरह उसकी पत्नी ने भी ठगने का काम किया और एक भी काम उन्होंने नहीं किया। अब अभी बहुत सा इन्होंने जब चुनाव आया तो शिलान्यास बहुत जगह किया, वो बता सकते हैं कि एक जगह भी उद्घाटन किया हो, एक जगह कोई काम लोगों को दिखाई पड़ा हो, ये काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के आपके विधायक कल्पना सोरेन ने काम कहीं भी दिखाई, जो काम वो दिखाई पड़ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी गठबंधन सरकार की बाकी एक भी काम नहीं कर सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में एक काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था उसी काम को झारखंड मुक्ति मोर्चा जा रहा है कि ये रघुवर सरकार के समय में जो विकास का काम हुआ, चाहे आप सड़क का आप कहीं चलिए यही लोग बात मिर्जागंज पर महेश मुंडा मिर्जागंज पर आप लोग देखे होंगे इस रास्ते से गुजरते होंगे क्या दुर्दशा थी, लेकिन रघुवर सरकार ने बनाया।
जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से BNB पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को BNB खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।